जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने डो पहले से प्रिपेयर कर ली है। इसकी भी इसका बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये डो किस तरह प्रिपेयर की, उसके साथ मैंने चिकन टिक्का किस तरह मैरिनेट किया। अभी तो वो मैंने एयर फ्रायर में डाला हुआ है, वो भी उसका भी तरीका मैं बताऊँगी कि मैंने चिकन टिक्का को मैरिनेट किस तरह से किया। और उसके साथ मैंने जो पिज़्ज़ा की टॉपिंग तैयार कर रखी है वो बिल्कुल बेसिक सिंपल सी है, और उसमें मैंने अनियन, टोमेटो, मशरूम्स, बेल पेपर, रेड बेल पेपर और हैलापीनो मैंने ली है और ब्लैक ऑलिव्स लिए हैं। उसके साथ कोई सी भी आप चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो, मुजरेला हो और कोई भी चीज़ हो, चेडर चीज़ हो, मुजरेला हो, मेरे पास चेडर चीज़ थी तो मैंने ये ग्रेट करके रख ली है। यहाँ पे थोड़ी ग्रेट की है क्योंकि मैं चीज़ लवर नहीं हूँ तो लिहाजा मैं बहुत ही कम चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। उसके अलावा टोमेटो पेस्ट है, सॉल्ट पेपर, थोड़ा सा जो है वो हम डालेंगे इसमें रेड फ्लेक्स और कोरिएंडर। ये तमाम चीज़ें मैंने प्रिपेयर इसलिए पहले से कर ली हैं कि अगर मैं इसको स्टेप टू स्टेप बताती हूँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, जो कि बहुत मुश्किल से आप लोग देखते हैं, तो लिहाजा मैंने कहा कि चलो छोटी वीडियो होनी चाहिए ताकि आप लोग क्विक का पिज़्ज़ा बनाने के लिए चिकन को मैंने एयर फ्रायर में बनाने रख दिया है। और अब सबसे पहले मैं डो को जो है वो रोल करके अपने पैन के अंदर फिट करूंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम स्टेप टू स्टेप कैसे काम करते हैं। के लिए मैं ये 2 कप फुल जो है वो ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लूँगी। ऑल पर्पज़ फ्लावर में मैं इंस्टेंट यीस्ट ये 1 टीस्पून डालूंगी। एक टेबलस्पून शुगर डालूंगी, उनसे थोड़ा सा कम मैं नमक डालूंगी। एक अंडा, इसमें ऑयल डालूंगी। सबसे पहले इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसे नीट कर लेंगे, और जब नीट कर लेंगे तो बस इसी पैन को ग्रीस करके मैं तमाम जो इसका डो है उसे ऊपर से भी ग्रीस करके 2-3 घंटे के लिए किसी भी गर्म जगह पर रख दूंगी, तो ये जो है वो तैयार हो जाएगा हमारा पिज़्ज़ा की डो। वार्म वाटर के साथ इसे गूंद लेंगे। आटा तैयार है, अब मैं इसमें ऑयल लगा के इसे 2-3 घंटे के लिए रख दूंगी गर्म जगह पर। आटा रेडी है, आटा बिल्कुल रेडी है। ये मेरा पिज़्ज़ा पैन है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं। उसको सबसे पहले मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लूंगी, जैसे कि ग्रीस करते हैं। पिज़्ज़ा का बॉल बना लिया है, अब मैं इसको रोल कर लूंगी। आप चाहें तो इसको रोल कर लें बेलन की मदद से, चाहे तो आप इसको हाथ से भी बड़ा कर सकते हैं। इसको मैं रोल करके यहाँ पर इस तरह से
देखिए मैंने इसको रोल करके इसके ऊपर फिटिंग कर दिया। हाथ से आप इसको चारों तरफ जो है इवनली स्प्रेड कर दें। हाथ की मदद से जो है हमारे पास टोमेटो पेस्ट मौजूद है, चाहे तो आप टोमेटो केचप भी डाल सकते हैं। और मेरे पास टोमेटो पेस्ट मौजूद है, मैं ये पार्ट सालसा टोमेटो पेस्ट है ये मैं इस्तेमाल करूँगी। और ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से, कि अगर आपको अच्छा ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा डाल दें, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना ये सॉगी हो जाता है। एक मुनासिब क्वांटिटी इसकी होनी चाहिए। सॉल्ट और पेपर भी डालती हूँ थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए, थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाता है। सॉल्ट पेपर डाला, पेपर डाला, ये मैं चाट मसाला डाल रही हूँ। चाट मसाला भी थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे, क्योंकि टिक्का मसाला है तो आप थोड़ा सा, टिक्का पिज़्ज़ा है तो थोड़ा सा आप इसको स्पाइसी बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। और इसके साथ ही थोड़े से जो है फ्लेक्स रेड चिली फ्लेक्स इसमें डाल दूँगी। ये देखिए रेड चिली फ्लेक्स। अच्छा, एक चीज़ मैं बताती चलूँ कि जो चीज़ लवर हैं वो इस स्टेप में भी हल्की सी चीज़ जो है मैं बता देती हूँ डाल के। मैं तो कम खाती हूँ इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूँगी, मगर जो पसंद करते हैं तो वो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं कम खाती हूँ, ये चीज़ नहीं पसंद मुझे, तो लिहाजा मैं इसमें बहुत ही सिर्फ दिखाने के लिए कम से कम, वरना आप बहुत अच्छा खासा डाल के भी बना सकते हैं। आप इसकी टॉपिंग सेट करने लगते हैं कि टॉपिंग में हम क्या रखेंगे। हम अनियन रिंग्स रखेंगे, जैसा चाहे जिस तरीके से चाहे रखें। अनियन के बाद आप इसमें टोमेटोज रख दीजिए। जब तक मीट तैयार होगा, चिकन टिक्का तैयार होगा, हम यहाँ पे अच्छी खासी ये, अच्छा ये ग्रीन हैलापीनो है, ये पिकल्स है, ग्रीन हैलापीनो का पिकल है, तो ये थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी होती है, बड़ी मज़े की लगती है, पिज़्ज़ा में तो बहुत ही टेस्टी सी होती है। मैंने इनको भी स्लाइस कर लिया है। उसके साथ पेपर है, चूँकि हमने अभी टिक्का भी इसके ऊपर डालना है, लिहाजा हम टॉपिंग उसी हिसाब से सेट करेंगे। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ और बताती चलूँ आप लोगों को, कि मैंने इसके हीटर है इसे मैंने निकाल लिए थे, और ये मशरूम्स रखते हैं। मशरूम्स का फ्लेवर भी बहुत ही मज़ेदार आता है पिज़्ज़ा के अंदर, मशरूम। अच्छा, टॉपिंग आपके ऊपर है कि आप कितनी भी टॉपिंग के मतलब तय कर सकते हैं। आप कुछ और भी ऐड करना चाहें तो इसमें आप कर सकते हैं, टॉपिंग का कोई वो नहीं है। आप घर पे बना रहे हैं, आप 3 या 5 टॉपिंग डालें, 7 टॉपिंग डालें, आपका अपना पिज़्ज़ा है, आप जैसे चाहें उसे करें। अच्छा, अब यहाँ मैं यार कहती चलूँ कि अगर मैं यहाँ इसको एज अ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बनाऊं तो ये देखिए टॉपिंग के साथ तैयार है, और इसमें मैंने सिर्फ अब हल्का सा स्प्रिंकल करना है। बल्कि मैं कर देती हूँ कि इसमें मैंने सॉल्ट रखा, वही सेम हल्का सा मैंने ब्लैक पेपर डाला, हल्का सा स्प्रिंकल करूँगी मैं चाट मसाला, अब सब अपने फ्लेवर के हिसाब से। मैं वेजिटेरियन पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो यही चीज़ डाल के उसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश कर दें, ये कोरिएंडर,
कोरिएंडर लीव्स और गार्निश कर दें, तो ये यहाँ तक की जो डिश है ये आपकी वेजिटेरियन पिज़्ज़ा की है। और अगर इसके साथ में मीट ऐड कर देती हूँ, जैसे कि मैं आज करूँगी, कि मैं चूँकि चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे चिकन टिक्का के स्लाइसेस यहाँ पे लगाऊंगी, तो ये बन जाएगा आज चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। अब जैसे ही मीट तैयार होता है मैं उसकी टॉपिंग सेट करके भी आपको पूरा फिनिश प्रोडक्ट दिखाती हूँ। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले चिकन को लिया और चिकन के ये दो लेग पीस लेकर मैंने इसमें ये कट्स लगा लिए और अब इसको मैं मैरिनेट करूँगी। मैरिनेट करने का तरीका मेरा ये है कि मैंने बहुत ही थोड़ा सा ये दूध लिया है, दूध में मैंने ये लेमन डाल दिया। दूध में मैंने लेमन डाल दिया और लेमन डालने की वजह से दूध जो है वो थोड़ा सा फट गया है। अब इसी में मैंने ये सोक कर दिया थोड़ी देर के लिए, लिया तकरीबन 2 टीस्पून। एक टीस्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ, स्पून मैं इसमें भर के जो है वो टिक्का मसाला की डाल रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले लें। और ये मैं 2 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, कोई भी ऑयल यूज़ कर लें, वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर लें, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें, कुछ भी यूज़ कर लें, अच्छा लगता हो। ये सब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। शेल के साथ इसको मसाले को इसके अंदर लगा दूंगी। मैं इसको भी जो मैरिनेशन है और ये चिकन टिक्का जो मैंने मैरिनेट करके रखा है इसको भी मैं 2 घंटे के लिए जो है फ्रिज में या बाहर यहीं काउंटर पे भी 2 घंटे के लिए रख दूंगी। और उसके बाद फिर मैं इसको सिंपल से एयर फ्राई के अंदर बना लूंगी और उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको पिज़्ज़ा की प्रोसेस के मैं इस चिकन टिक्का के मसाले के साथ जो मैंने चिकन तैयार की है इससे मैं किस तरह से चिकन टिक्का पिज़्ज़ा आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो चले जब 2 घंटे के बाद मुलाकात करते हैं। अच्छा ये देखिए चिकन जो है ये चिकन टिक्का तैयार है। अब मैं इसके स्लाइस बना के मीट इसमें लगा के दिखाती हूँ। देखें ये चिकन टिक्का तैयार है और मैंने इसके स्लाइस कर लिए मीट के, और अब मैं ये मीट के स्लाइस जो है इस तरीके से उठा उठा के यहाँ से गरम हो रहा है, हाथ में लग रहा है, इस वक्त गरम बहुत है, क्योंकि आज है ही चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। मैंने ओवन सेट किया है 450 फ़ारेनहाइट पर, 12 से 13 मिनट में ये तैयार हो जाता है, 12 स्टैंडर्ड टाइम है, तो 13 मिनट के लिए मैंने रख दिया है। रख दूंगी मैं इसे जब तक कि मैं इसको पिज़्ज़ा को फिनिश कर लूँ। कोरिएंडर की एक तो अरोमा बहुत अच्छी होती है और थोड़ा सा कलर इसमें आ जाता है, कलर ऐड होने की वजह से ये और भी अच्छा नज़र आता है। सिंपल सा वही हम करेंगे, अपना सॉल्ट डालेंगे और वही चाट मसाला और रेड चिली वगैरह डाल के इसे फिनिश कर देंगे। चिकन टिक्का पिज़्ज़ा है तो ये इसमें चाट मसाला बहुत ही मज़ेदार जायका देता है। ये तो हो गया पिज़्ज़े का, देखें पिज़्ज़ा रेडी हो गया। अब जैसे ही ओवन रेडी होता है मैं ओवन में डालती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ 15 मिनट के बाद जो हमारा पिज़्ज़ा है वो रेडी है। और अब मैं इसको ओवन से आउट करूँगी और फिर दिखाती हूँ आपको कैसा नज़र आ रहा है। ओ यम्मी, बड़ी ही
चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके स्लाइस बनाती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ मैं आपको यहाँ रख के ये भी दिखा दूँ। चलूँ ये देखिए आप ही दिखाती हूँ। ये देखें ये किस कदर जबरदस्त पिज्जा बना है। ये देखें पीछे से भी देखें बिल्कुल सिखा हुआ है और जबरदस्त ये पिज्जा जो है ये तैयार है। तो ये देखिए अभी मैं इसको काट के सर्व करती हूँ और फिर बताती हूँ आपको कि इसका जायका कैसा है। ये देखिए बिल्कुल एकदम ही निकल आया है। मेरी आज की मज़ेदार रेसिपी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा और उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। मेरा जो है वो डिनर पूरा रेडी है, चाय भी रेडी है और ये पिज़्ज़ा भी जो है ये बनके तैयार हो गया है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है। तो मैं तो अब करती हूँ अपना डिनर। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर किसी अच्छी रेसिपी में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।